फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आप देख रहे हैं गोल्डन बुल्स। एक और नई वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम देखने वाले दो ऐसे इंडिकेटर जो आपको आपकी जर्नी में, ट्रेडिंग जर्नी में हेल्प करने वाले हैं। तो ये एक थंबनेल तो आपने देखा ही होगा कि ये सुपर ट्रेंड है, एक बहुत ही ज़बरदस्त सुपर ट्रेंड है जो कि जिसकी एक्यूरेसी काफ़ी अच्छी है। तो चलिए फटाफट वीडियो का लंबा नहीं करते और वीडियो शुरू करने से पहले दोस्तों, अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन प्रेस कर सकते हो। ये मेरा चैनल का इंटरफेस है, ये गोल्डन बुल्स नाम से। और यहाँ पे हम डेली निफ्टी, बैंक निफ्टी, फिन निफ्टी के एनालिसिस वीडियोस, कुछ मल्टीबैगर स्टॉक्स होते हैं, कुछ स्विंग ट्रेडिंग के लिए स्टॉक्स आइडिया हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, कुछ लेवल्स होते हैं ये हम यहाँ पर प्रोवाइड करते हैं, तो आप इसका फ़ायदा उठा सकते हो। और ये मेरा टेलीग्राम चैनल है गोल्डन बुल्स नाम से, इसको भी आप ज्वाइन कर सकते हो, क्योंकि यहाँ पे हम अगर देखोगे तो लाइव मार्केट में जो है हम लेवल प्रोवाइड करते हैं, निफ्टी बैंक निफ्टी के इंटरडे लेवल जो होते हैं हम यहाँ पे प्रोवाइड करते हैं, तो आप भी इसका फ़ायदा उठा सकते हो। इसको ज्वाइन करने के लिए यहाँ पे जो QR कोड आपको दिख रहा है राइट हैंड कॉर्नर में, इसको आप अपने मोबाइल से स्कैन करके इस टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो। तो चलिए फटाफट शुरू करते हैं। इंडिकेटर का नाम पहले हम यहाँ पे टाइप करेंगे, स्टैंडर्डाइज सुपर ट्रेंड ऑस्किलेटर। आप स्पेलिंग देख लीजिए यहाँ पे, स्टैंडर्डाइज, ये देखो यहाँ पे आ गया स्टैंडर्डाइज सुपर ट्रेंड ऑस्किलेटर, एली कोबरा नाम से 1272 नंबर है इसका। तो इसको आप पहले प्लॉट कर लेंगे यहाँ पे, तो कुछ इस तरह से इसका इंटरफेस आ जाएगा आपको, आप देख सकते हो यहाँ पे। ये जो इंडिकेटर है, ये जो ऑस्किलेटर है, ये हेकेनेसी का आपको कैंडल दिखाएगा यहाँ पे, जो कि आपको एक ट्रेंड आइडेंटिफाई करने के लिए काम आएगा। और यहाँ पे जो है ये सुपर ट्रेंड है, ये नीचे ब्लू लाइन और ऊपर से जो ऑरेंज कलर का दिख रहा है वो वाला। तो चलिए फटाफट इसका हम सेटिंग एक बार देख लेते हैं, क्या सेटिंग करना है हमें यहाँ पे बाय सेल के लिए। तो हैकिनेसी सोर्स इसका में हम बाद में समझ लेंगे क्या है। ये है सुपर ट्रेंड ऑस्किलेटर, ये रिवर्स जनरेसर जो है, मतलब ये ओवरबॉट ओवरसोल्ड हमें दिखाएगा, उसकी हमें ज़रूरत नहीं है। उसके लिए हम उससे भी बेहतर जो है RSI हम यूज़ कर सकते हैं। तो मैं इसको हटा देता हूँ, इसको आपको ऑफ करना है। उसके बाद में स्टाइल में आ जाना है, यहाँ पे अगर देखोगे यहाँ पे आपको ये प्रिसीजन नहीं कहाँ गया है चार्ट वाला, एक मिनट, उसमें कुछ नहीं करना है। ऑस्किलेटर स्टाइल जो है यहाँ पे अगर देखोगे, पहले इसको समझ लेते हैं। पहले कैंडल्स जो है, ये हेकेनेसिस कैंडल्स है, ये हम जब तब यूज़ करेंगे जब कोई ट्रेंड, अगर समझो यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा है, और यहाँ पे ये समझने के लिए हम इसका कभी कभी ऑन करेंगे इसे। ये सिर्फ पुल बैक जो है कब ख़त्म हो रहा है ये हमें बताएगा। जैसे कि यहाँ पे मार्केट ऊपर जा रहा था और यहाँ से पुल बैक शुरू हो गया, तो यहाँ पे जब तक वाइट कैंडल बन रही है तब तक ये पुल बैक चल रहा है। जैसे ही यहाँ पे ग्रीन कलर का कैंडल बनेगा तो पुल बैक ख़त्म हो गया है, तो यहाँ पे एक एंट्री बन सकती है इसके बेस पे। तो यहाँ से जैसे ही एंट्री शुरू हुई, यहाँ पे ग्रीन कलर कैंडल बनी, तो आप देख सकते हो यहाँ पे पूरा मार्केट यहाँ से लेके यहाँ तक ऊपर गया है। तो इस तरीके से भी आप यहाँ पे एंट्री बना सकते हो। ये 5 मिनट का कैंडल, ये 5 मिनट का मैंने चार्ट लगाया हुआ है और ये निफ्टी का चार्ट है, ठीक है। तो फिलहाल हम इसको, ये हेकेनेसी कैंडल जो है, हम इसे बंद कर देंगे, इसको हमें फ़िलहाल नहीं यूज़ करना है। तो यहाँ पे अगर देखेंगे ऑस्किलेटर स्टाइल जो है, इसको कम कर लेंगे हम, लाइन में कन्वर्ट कर देंगे। तो यहाँ पे देखोगे आप, देखो यहाँ पे बन गया ये लाइन चार्ट। अभी इसको कैसे यूज़ करना है हम समझेंगे अभी। तो ये अभी लाइन चार्ट में कन्वर्ट हो चुका है। तो यहाँ पे अगर देखोगे, ये हम इसको पहले बाय सेल सिग्नल भी यहाँ पे ऑन कर लेते हैं इसका। यहाँ पे देखेंगे रिवर्जन सिग्नल्स, नहीं चाहिए कॉन्ट्रास्ट सिग्नल, एक मिनट, हाँ
ये जो है कॉन्ट्रेरियंस सिग्नल जो है हमें बोथ पे करना है, तो यहाँ पे बाय सेल का हमें इंडिकेशन यहाँ पे मिल जाएगा। तो ये जो है डॉटेड लाइन आपको जो दिख रहा है ये सेंटर लाइन है जीरो का। इसके जैसे ही ऊपर या नीचे मार्केट आता है तो आपको एंट्री बनानी है, एंट्री पार्ट में हम सीखेंगे। तो देखिए यहाँ पे सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ। यहाँ पे मैं चार्ट भी थोड़ा सा नीचे कर लेता हूँ। ये 5 मिनट का कैंडलस्टिक है और यहाँ पे देखो यहाँ पे सेल सिग्नल जनरेट हुआ, लेकिन हमें यहाँ पे एंट्री नहीं बनानी है क्योंकि प्राइस जो है इस जीरो लाइन के नीचे नहीं आया है। तो जीरो लाइन के नीचे देखो यहाँ पे आया है, ये हमें कन्फर्म सिग्नल है। यहाँ पे ये जीरो लाइन के नीचे भी आ गया है और यहाँ पे सेल सिग्नल तो हमें ऑलरेडी मिल चुका है। और ऑस्किलेटर जो है ये सुपर ट्रेंड जो है ये ऑलरेडी जीरो लाइन के नीचे था, लेकिन ये वाला जो सिग्नल है जब हमें यहाँ पे मिला तो यहाँ पे हम एंट्री बनाएंगे और टारगेट जो है 1:3 का मिनिमम हम यहाँ पे टारगेट रखेंगे। तो ये एक सेल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ था। और अगर बाय सिग्नल आपको देखना है, अभी देखो यहाँ पे ये एक फॉल सिग्नल यहाँ पे जनरेट हुआ, यहाँ पे बाय तो मिला था लेकिन प्राइस अभी भी जीरो लाइन के नीचे था। यहाँ पे सडनली मार्केट ओपन ही हुआ है दूसरे दिन, ये नए दिन का शुरुआत है यहाँ पे, तो यहाँ पे हुआ लेकिन बाद में यहाँ से नीचे आया। तो ऐसे फॉल सिग्नल से कैसे बचे, और साइडवेज मार्केट जो होता है उसका भी मैं एग्जांपल आपको बता देता हूँ कि साइडवेज मार्केट में हम कैसे बच सकते हैं। तो देखो यहाँ पे साइडवेज मार्केट था, ठीक है। तो इस वाले सिग्नल ने क्या हमें इंडिकेशन दिया बाइंग सिग्नल का, ये कन्फर्मेशन क्या था, इसके प्राइस जीरो लाइन के नीचे चल रहा है तो यहाँ पे बाय नहीं होगा। और एक इसका तरीका है, ये हैकेनेसी सोर्स जो है ना हम इसको ऑन कर लेंगे। तो आप देख सकते हो ये जो सिग्नल है ये हमें और थोड़ा सा इस फॉल सिग्नल से बचाएगा। तो ये वाला जो सिग्नल है ये देखो ये भी जीरो लाइन के नीचे आ गया, तो ये हमें फॉल सिग्नल से बचाएगा, ठीक है। तो चलिए और कोई एंट्री ढूंढते हैं यहाँ पे। और इसके साथ में जो है आपको ट्रेंड फाइंड करने के लिए एक और इंडिकेटर यूज़ करना है, उसका मैं आपको बता देता हूँ। MACD हमें लगाना है यहाँ पे, और कौन सा वाला MACD, जो कन्वर्जन डाइवर्जन जो है ये वाला हमें MACD लगा देना है यहाँ पे। इसका भी सेटिंग पार्ट अभी समझ लेते हैं। सेटिंग पार्ट में सेटिंग में जाना है और यहाँ पे अगर देखोगे ये फास्ट लेन जो है इसको चेंज कर देना है आपको, इसको कर देना है आपको 100। स्लो लेन जो है इसे आपको कर देना है 200। सेटिंग जो है आप यहाँ पे कर लीजिए, इसको देख के स्क्रीनशॉट निकाल लो। और सिग्नल स्मूथिंग जो है इसको कर देना है आपको 50। और सोर्स जो है, सोर्स में कुछ नहीं करना है, सोर्स है जैसा है वैसे रखना है। और यहाँ पे टाइम फ्रेम जो है इस पे चार्ट है तो इसको आपको कर देना है 1 आवर, ठीक है। यहाँ पे आपको 1 आवर कर देना है चार्ट पे। यहाँ तक सेटिंग समझ में आ गया होगा आपको सबको। और यहाँ पे उसके बाद में जाना है स्टाइल में, और हमें MACD और ये सिग्नल जो है इसको हटा देना है। उसके बाद में आना है यहाँ पे, ये जो कॉलम दिख रहा है आपको फर्स्ट जो यहाँ पे ब्लॉक है उसके बाजू में, और यहाँ पे कर देना है आपको एरिया, और इसकी सेटिंग हो गई डन, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख पाओगे, यहाँ पे अगर देखोगे तो यहाँ ओवरऑल ट्रेंड क्या चल रहा है, यहाँ पे देखो ओवरऑल ट्रेंड जो है नेगेटिव है। जब भी ये जीरो लाइन है इसके नीचे अगर मार्केट है तो मार्केट बेरिश है, और जब भी इस ग्रीन कलर के ऊपर है जीरो लाइन के ऊपर जहाँ पे आपको दिख रहा है तो मार्केट पूरा बाय ऑन डिप आपके लिए रहेगा। यहाँ पे देखो, यहाँ पे देखो ये जीरो लाइन जो दिख रहा है ना आपको, इसके ऊपर जब तक मार्केट है तब तक मार्केट पॉजिटिव है। तो ये एक ट्रेंड फॉलोइंग इंडिकेटर है, इसको आप बाय सेल सिग्नल के लिए यूज़ कर सकते हो। जैसे आपको यहाँ पे सेल या बाय का सिग्नल मिलेगा तो आप मतलब इसका यूज़ आपको मेनली क्या करना है, एक मिनट में आपको एक बार फिर से समझा देता हूँ। यहाँ पे अगर ये ट्रेंड चल रहा है पॉजिटिव में, ठीक है,
तो आपको यहाँ पे जो सेल सिग्नल मिलेंगे इस इंडिकेटर से, सुपर ट्रेंड जो इंडिकेटर है, इससे जो भी आपको ये सिग्नल मिलेंगे तो आपको सेल साइड की एंट्री नहीं लेनी है, आपको सिर्फ ये बाइंग साइड के जितने भी आपको सिग्नल मिलेंगे ये आपको करेक्ट प्रॉफिट देंगे और ये अच्छी तरह से ये काम करेंगे। जब भी ओवरऑल ट्रेंड आपको इससे पहले इसको आपको देखना है, MACD जो है इसे आपको देखना है और ओवरऑल ट्रेंड जो है वो आपको आइडेंटिफाई करना है इस MACD के इंडिकेटर से। अभी यहाँ पे देखो ये जब भी रेड बनेगा, ये जब भी रेड बनेगा तो आपको सिर्फ सेल साइड के जो है ट्रेड लेने हैं, जो बाइंग साइड के आपको ट्रेड मिलेंगे ये वाले, जैसे कि यहाँ पे बाइंग का मिला, यहाँ पे बाइंग का मिला, यहाँ पे बाइंग का मिला, तो ये ओवरऑल ट्रेंड अगर नेगेटिव है तो बाइंग साइड के आपको ट्रेड नहीं लेने हैं। जब भी आपको सेल साइड के सिग्नल मिलेंगे वो आपको अच्छा प्रॉफिट देंगे। तो ये ओवरऑल ट्रेंड समझने के लिए है, ये फॉल्स सिग्नल से भी आपको बचाएगा। तो ये बात आप समझ चुके होंगे कि जब भी ये वाला MACD का जो इंडिकेटर है ये आपको बड़े टाइम फ्रेम का ओवरऑल ट्रेंड बताएगा, पॉजिटिव है या नेगेटिव है, तो उसी हिसाब से आपको इसके सिग्नल्स कैच करने हैं। अगर ये पॉजिटिव में है तो आपको सिर्फ बाइंग के सिग्नल फॉलो करने हैं, और ये अगर नेगेटिव जीरो लाइन के नीचे है, नेगेटिव में है, यहाँ पे अगर रेड दिख रहा है तो आपको जब भी सेल सिग्नल जहाँ पे भी जनरेट होगा तो आपको सिर्फ सेल साइड के ही ट्रेड लेने हैं। तो ये निफ्टी बैंक निफ्टी में ये दोनों में वर्क करेगा, बहुत ही अच्छी तरीके से काम करता है और इसकी एक्यूरेसी भी काफ़ी अच्छी है। तो आप इसे अपने इंस्टॉल करके आप इसको बैक टेस्टिंग कर सकते हो। देखिए आप मार्केट में कोई भी स्ट्रैटेजी जो है 100% नहीं है, आज तक मार्केट में ऐसी कोई स्ट्रैटेजी बनी नहीं है। फिर भी अगर आपके ट्रेडिंग जर्नी में इस वीडियो से आपको कुछ हेल्प मिल रही है तो आप इसे बैक टेस्ट करके यूज कर सकते हो। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले ऐसे ही एक किसी अमेजिंग इंडिकेटर के साथ में। तो आप जो है इस टेलीग्राम चैनल को और इस यूट्यूब चैनल को फॉलो कर सकते हो। तो वीडियो अगर आपको अच्छा लगा तो इसे लाइक एंड शेयर और सब्सक्राइब कर देना फ्रेंड्स। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।